हेलो एवरीवन। तो अभी हम देखेंगे हमारा जो अगली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे। हालांकि क्वेश्चंस आपको बुक्स में दिए हुए तो उसके आंसर जो है ठीक है। पहला जो है, व्हाई डज एन एथलेट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। क्यों मतलब जो एथलेट्स है मतलब ब्रीथ क्यों फास्ट करते हैं अपना जो रेस वगैरह है वो शो होने के बाद क्यों फास्टर ब्रीथ करते हैं। तो उसका आंसर है क्योंकि आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर अनएरोबिकली। हमने देखा था हमारे पार्ट में कि एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं ठीक है, बट ओनली अ फॉर शॉर्ट टाइम मतलब फॉर बहुत शॉर्ट टाइम तक वो रेस्पायर करते हैं मतलब एनारोबिकली, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड आपने देखा होगा ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। व्हेन देयर इज अ टेम्पररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहाँ पर क्या होता है टेम्पररी डिफिशियंसी ठीक है। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई मतलब डिमांड ऑफ एनर्जी हाई बट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। द एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी दैट्स व्हाई द एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन द यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन है उसमें सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है। सिमिलरिटी क्या है, ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, ये भी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज करता है ठीक है, ये सिमिलरिटीज है। दूसरा क्या है मतलब जो डिफरेंस है, ये यूज ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का यूज करके करता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रेस्पायर करता है ठीक है। तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी मतलब ये बाय प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पड़ता है उसके बाद वाटर और फिर हमारी एनर्जी हमें मिलती है। अनारोबिक का क्या है, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब अनारोबिक होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज नहीं है ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी मतलब प्रोड्यूस क्या होता है अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट्स ऑफ डस्ट लैडन एयर ठीक है। तो उसका आंसर है व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल गेट ट्रैप इन द एयर हेयर प्रेजेंट योर नसल कैविटी। यहाँ पर मैं हाईलाइटर ऑन कर लेता हूँ लेजर पॉइंट ठीक है। हाउएवर समटाइम्स दिस पार्टिकल्स मे गेट पास इन द हेयर इन द नेसल कैविटी दिस मे बी इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्नीजिंग एक्सपेल्स दिस फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल एयर एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर अवर बॉडी ठीक है। टेक द थ्री टेस्ट ट्यूब्स फिल विथ 3/4 ऑफ ईच विथ वाटर लेवल ए बी सी एंड ए बी एंड सी। कीप अ स्नेल टेस्ट ट्यूब ए वाटर प्लांट एंड टेस्ट ट्यूब बी इन द एंड सी कीप स्नेल प्लांट ऑन बोथ। तो सी यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आंसर इन द टेस्ट ट्यूब ए हाइस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ओ टू। हमें पूछा गया कि कौन से टेस्ट ट्यूब में हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ओ टू होगा, तो टेस्ट ट्यूब ए में हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ टू होगा ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर एंड कॉकरोचेस इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स इन द बॉडी थ्रू स्पायरेकल्स उसका जो स्मॉल ओपनिंग है वो क्या है स्पायरेकल्स है। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड जो लैक्टिक एसिड है उसको एक्यूमुलेशन की वजह से हमें क्या करता है मतलब हेवी एक्सरसाइज में क्रैम्प्स आता है। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग एज पर मिनट इन द एवरेज एडल्ट पर्सन इज रेस्ट इज तो 15 से 18 तक हम ब्रीथ करते हैं। ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स मूव अपवर्ड मतलब एक्सलेशन होता है तो रिब्स क्या होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं और डायफ्राम जो है ऊपर ऊपर की यहाँ पर मूव होता है। मैच द कॉलम आइटम्स इन द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड तो यहाँ पर मैंने आंसर दिए ईस्ट ईस्ट में क्या बनता है अल्कोहल बनता है। डायफ्राम में चेस्ट कैविटी स्किन अर्थवर्म लीव्स स्टोमाटा फिश गिल्स फ्रॉग लंग्स एंड स्किन यहाँ पर आंसर है ठीक है। अर्थवर्म गिल्स अल्कोहल यहाँ पर कॉलम सेकेंड में है तो यहाँ पर मैंने मैच करके लिखा है। सेवन नंबर, मार्क ट्रू एंड फॉल्स ठीक है। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन शो डाउन तो एक्सरसाइज में क्या होता है ब्रीदिंग रेट क्या है फास्टर होता है। हेवी एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन स्लो डाउन तो प्लांट कैरी द फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट तो ये ट्रू है। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू एयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स ये भी ट्रू है। द फिश हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन ये भी
लंग्स नहीं है उसके पास क्या है, गिल्स है रेस्पिरेशन के लिए। द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब क्या, सांस अंदर लेना, ये भी ट्रू है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस पेयर को मैच करने उन्होंने बताया, द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट, उसको यहाँ ट्रैकिया बोला है। ठीक है, तो ट्रैकिया कहाँ पर मैंने मार्क किया, यहाँ पर अभी ट्रैकिया, यहाँ पर मार्क किया ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया, द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट ट्रैकिया। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, तो ये है रिब्स, सेकेंड का आंसर है रिब्स। मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, उसका है डायफ्राम, तो यहाँ पर है डायफ्राम, डायफ्राम यहाँ पर DIAPHRAGM डायफ्राम है। ठीक है, टिनी पोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ लिप कॉल्ड एज स्टोमाटा, तो ये है स्टोमाटा, STOMATA। ठीक है, ये है स्टोमाटा का। स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, तो क्या है उसको, स्पाइरेकल बोलते हैं, तो ये स्पाइरेकल्स, यहाँ पर स्पाइरेकल्स ही दिखे, स्पाइरेकल्स। ठीक है, रुको एक मिनट, स्पाइरेकल, SPIRACLES। ठीक है, ये स्पाइरेकल्स है। उसके बाद द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स, लंग्स है, तो यहाँ पर मैंने मार्क किया लंग्स। ठीक है, द ओपनिंग थ्रू द विच वी इनहेल, मतलब ओपनिंग कौन सी होती है, उसको हम नोस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये है नोस्ट्रिल, NOSTRILS। ठीक है, नोस्ट्रिल। एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म और अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म कौन सा, ईस्ट है, तो यहाँ पर मैंने ईस्ट का किया है मार्क, देखिए ईस्ट। एन ऑर्गेनिज्म विच ट्रैकियल सिस्टम, तो उसके क्या अंदर है, ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है ट्रैकिया, TRACHEA। ये हुए अपने क्वेश्चंस एंड आंसर। और नाइन्थ का क्या है, द माउंटेन कैरी द ऑक्सीजन विद बिकम्स, तो उसका आंसर है द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू पर्सन इज लेस देन द अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, तो उसका आंसर ये है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अपने जो पूरी एक्सरसाइज थी ये पूरी हुई, अभी तक हमने ये सभी चीज़ें देखी है, एक्सरसाइज वगैरह। ठीक है, यहाँ पर सभी को समझ में आया ना। ठीक है, इसका कुछ आंसर आप अलग भी कुछ लिख सकते हैं आपके मन से, जो आप कहना चाहते हो या कुछ आपको अलग अपने मन से लिखना है तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।